अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी नान, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा कप लूक वार्म वाटर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ये वाली यीस्ट जो है वो ऐड करूँगी। आप लोग कोई सी भी ऐड कर लीजिए, मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है तो मैं ये वाली यूज़ करूँगी। और मैं ये यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। ये देखिए, इस तरह से मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून यीस्ट को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी शुगर, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसको हिला लूँगी। इसके अंदर हम नमक शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि नमक जो है वो यीस्ट को एक्टिवेट नहीं होने देता है, ठीक है। नमक हम ऑल पर्पज़ फ्लावर में ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, और जब तक कि हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करते हैं। अच्छा जनाब, तो हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट के अंदर 4.5 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर ले रहे हैं, और साथ ही 1 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया था ये वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल पर्पज फ्लावर का जो मिक्सचर बनाया था। 10 मिनट हो चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और गूंथते जाएंगे और डो की शेप में बनाएंगे। सेम मिक्सचर के बोल में मैंने अब इसमें वाटर ऐड किया है। वाटर की मदद से हम पूरा आटे को गूंदेंगे पानी की मदद से। उसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून तेल यानी कि ऑयल शामिल करके अच्छा सा एक दफ़ा फिर से गूंद लेंगे, और फिर इसको हमें कवर करना होगा। या तो आप कपड़े से कर लीजिए, या तो अगर आपके पास प्लास्टिक रैप है तो प्लास्टिक रैप से कर लीजिए। और फिर इसको रख दीजिए 45 मिनट से लेकर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जितनी भी देर आप रखना चाहते हैं। कम से कम 45 मिनट आप रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी रखें, जितनी देर रखेंगे अच्छा रहेगा। मेरे पास इस वक्त प्लास्टिक रैप मौजूद था, तो मैं प्लास्टिक रैप की मदद से इसको कवर कर रही हूँ, और इसको मैं रूम टेम्परेचर पर रख रही हूँ। उसके बाद हम जो है जब तक हमारा डो राइज हो रहा है उसको होने देते हैं, और अब हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो कि है हमें 1/2 कप इसमें वाटर लेना है, 1/2 कप पानी लेना है, और 2 टेबलस्पून हमें इसमें मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर लेना है। और अच्छी तरह हमें इसको हिलाते जाना है। कोशिश करें कि मीडियम आँच पर पकाएँ ताकि ये एकदम से जलने ना लगे। और राइट, अब 1 घंटा हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत हमारा डो तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए किस तरह से ज़बरदस्त जो है वो बना है। और अब हम जो है इसको एक दफ़ा फिर से गूंद लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बना है, बहुत अच्छा राइस हुआ है, वेरी नाइस। अब चूँकि हमें आटे को रेक्टेंगुलर शेप देना है, तो इसके लिए हमें स्प्रिंकल करना होगा ऑल पर्पज फ्लावर, ताकि हमारा जो आटा है उसकी चिपकन ख़त्म हो और आसानी से हम इसको शेप दे सकें। अच्छा, अब ऐसा है कि हमें बेकिंग ट्रे तैयार करनी है। बेकिंग ट्रे के लिए हमें रेक्टेंगुलर शेप की लॉन्ग बेकिंग ट्रे लेनी है, जितनी लॉन्ग आप ले सकें अच्छा है। और उसके ऊपर हमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाना है, और फिर उसके ऊपर हमें पार्चमेंट पेपर लगाना है, और फिर उसके ऊपर हमें ऑयल स्प्रेड करना है, फिर उसके बाद हमें रेक्टेंगुलर शेप देना है अपने आटे को। तो हमें लेयरिंग करनी होगी अपनी ट्रे पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल एंड पार्चमेंट पेपर बेकिंग ट्रे पे लगाया गया है। और अब मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप दे रही हूँ हमारे अफ़गानी नान को। तो देखते रहिए किस तरह कर रही हूँ। और उसके बाद आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, ये हाथों की मदद से ही जो है वो इस तरह का शेप दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको ग्रॉस लगेगा, मगर आपको हैंड्स अच्छी तरह वॉश करने के बाद जो है वो इस तरह से शेप देना है। फिर उसके बाद आपको फोक यूज़ करना है इस तरह से उसमें सुराख करने के लिए। और उसके बाद हमें जो हमने मिक्सचर बनाया है वो उसको हमें लगाना है अच्छी तरह से ऊपर और अंदर नान पर, और फिर जो है वो इस तरह से ऊपर भी स्प्रेड कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे मेरा फेवरेट पार्ट, सेसमी सीड्स एंड कलौंजी सीड्स, क्योंकि मुझे वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो इस नान में इन दोनों अज्जा का इस्तेमाल होगा। और अब हम लोग करेंगे 390 फ़ारेनहाइट पे बेक अपने नान को, और ब्रॉयल भी कर लीजिए 3 to 4 मिनट्स के लिए। और इसके बाद एक टिप है सॉफ्ट रखने के लिए कि आपको पानी का इस्तेमाल करना है, ब्रश से पानी लगाइए या फिर आपको स्प्रे बॉटल है उससे पानी छिड़क दीजिए। देखिए किस कदर खूबसूरत, नरम और सॉफ्ट नान तैयार हो चुका है,
और आप लोग ज़रूर बनाइए और इसको किसी भी एल्यूमिनियम फॉइल या फिर क्लॉथ के अंदर रैप करके रख दीजिए। अब आता है मेरा फेवरेट टाइम यानी कि सर्विंग टाइम। तो सर्व करने के वक्त क्या करना है, हमें स्मॉल पीसेस में कट करना है और पेश करना है। आपको, आपकी फैमिली को, सभी को बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये नान। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। फिर मिलूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।